आप और हम कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि से श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का विराम दिवस है। रुद्राक्ष महोत्सव 2024 7 मार्च से 13 मार्च तक आयोजित किया गया, जिसका आज विराम दिवस है। भाव से, आनंद से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा जो 7 दिवस से लगातार चल रही है, आज विराम लेने जा रही है। कथा के मुख्य यजमान श्री कैलाश भाई छोटा भाई जी पटेल अमेरिका से हैं। श्री स्वर्गीय सीताराम जी सोमानी और स्वर्गीय भवरी देवी सोमानी जी की स्मृति में सोमानी परिवार सूरत से हैं। स्वर्गीय मीरा जी, स्वर्गीय आशुतोष जी अग्निहोत्री की स्मृति में हर गोविंद जी अग्निहोत्री द्वारा सागर से हैं। स्वर्गीय कमला देवी दरवासा, स्वर्गीय फतेह सिंह जी, स्वर्गीय रघुवीर सिंह जी, स्वर्गीय रोशन सिंह जी स्मृति में रावले बशीर रोशन जी द्वारा छिपा ने इंदौर से हैं। जय श्री बहन जयंती लाला बेपरिया राजकोट गुजरात से हैं। स्वर्गीय प्रकाश जी त्यागी, अनुराग जी त्यागी जी की स्मृति में लोकेश त्यागी, मंजू त्यागी द्वारा दिल्ली से हैं। राजेंद्र मोहन जी नोटियाल, मीना जी नोटियाल पुत्री प्रीति नोटियाल दिल्ली से हैं। स्वर्गीय गोवर्धन लाल जी की जी सुमित्रा देवी जी की स्मृति में पुत्र संतोष राधा महेश्वरी जी इंदौर से हैं। प्रमोद दीपक जाधव, दीपक किशन राव जाधव, आशा किशन राव जाधव, रोशनी प्रमोद जाधव धौलिया से हैं।
संजय मणिकचंद जी गवते, बाला प्रसाद जी ओझा सोलापुर से हैं, सत्यनारायण रायदयाल मालपानी जी संभाजी नगर से, चंद्र चक्रेश कुमार जैन, अरुण जैन, रुचि कुणाल जैन दिल्ली से, स्वर्गीय मथुरा प्रसाद जी, राम देवी जी, चंद्रभान जी चतुर्वेदी जी किस्मती में चतुर्वेदी परिवार झांसी से, विनय जी पंचाल, नैना जी पंचाल मुंबई से हैं, उषा जी, सोनाली जी, रूपाली जी द्विवेदी, विनय कुमार जी हमीरपुर से, नीलेश शिल्पा कोठारी मुंबई से हैं, बलदेव सिंह ठाकुर, रामावतार सिंह ठाकुर, अंजलि ठाकुर गुड़ियारी रायपुर से हैं, प्रभांशु कटियार, रक्षा कटियार, सुभाष चंद कटियार बेंगलोर से हैं। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन, जिन्होंने भगवान शिव की अविरल कथा को, भगवान शिव की अविरल कथा को आप और हमको श्रवण कराने का सौभाग्य दिया। ये शिव तत्व ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले, ऐसे देवदेव महादेव भगवान शिव कुबेरेश्वर बाबा की ये पवित्र भूमि जहां कंकर शंकर के रूप में विराजमान, इस पवित्र धरा पर आप जहां तहां बैठकर भगवान शंकर की विरल कथा को श्रवण कर रहे हैं और भगवान शिव की विरल भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं, और ये भरोसा ये विश्वास मानकर चलना कि इस धारा पर जो भी आया है वो खाली नहीं गया है, ये जितने जजमान परिवार यहां पर बैठे हुए हैं सबके मुख पर एक ही बात है, गुरुदेव अगले वर्ष फिर बाबा ऐसी कृपा करे, फिर हमको यजमान पद दे, ऐसी कृपा बाबा हमारे पर कर। क्योंकि उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता, उसकी दया के बिना कुछ नहीं, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते सांस तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं रा करी है, भगवान देवज ने महादेव की ऐसी करुणा है, लोग कहते हैं गुरुजी हमें दुनिया के लोग बड़ा दुख देते, दुनिया के लोग हमको बड़ा ताना देते हैं, दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, कष्ट देते हैं, अब शब्द भी बहुत बोलते। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया के लोग अगर आपको अपशब्द कर रहे हैं, दुनिया के लोग यदि आपको ताना दे रहे हैं, दुनिया के लोग अगर आपको गाली दे रहे हैं, दुनिया के लोग यदि आपको आड़े आड़े शब्द कर रहे हैं तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, कारण
बमूल के पेड़ पर कोई पत्थर नहीं मारता, जितने भी मारते हैं फलदार वृक्ष पर ही लोग पत्थर मारते हैं।